आचार्य देवव्रत जी से हम लोगों ने बहुत कुछ सुना और संयोग से वो आपके विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि जो बातें आपने बताई हैं, आज जो हमारे सभी विद्यार्थी हैं उपाधि लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है, उन्होंने जो पढ़ा है और जो आपने बताया है, इन दोनों में केमिस्ट्री कितनी है, मैचिंग पार्ट कितना है, वो भी कह रहे थे कि ये बात सच है। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध करूंगा, संयोग से यदि वो केवल राज्यपाल होते तो संभवतः आपके साथ में चर्चा करने का उनको भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती। लेकिन आपके कुलाधिपति हैं, आपने इसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की है, मैं जरूर चाहूंगा कि यदि आपने जो पढ़ा है और जो उन्होंने कहा है, जहां पर तालमेल नहीं बैठ रहा है, उसके लिए यदि आपको उचित लगे तो आप कुछ ग्रुप्स में जाकर के कुलाधिपति महोदय के साथ में एक बैठक लें और चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि सार्थकता आएगी। उन्होंने जो बातें कही हैं, आपने जो पढ़ा है, वो विश्वविद्यालय स्तर पर जो करिकुलम होता है वो पढ़ा है, लेकिन उन्होंने उन चीजों का उल्लेख किया है जो व्यवहारिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें। मैं आज इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों, अभिभावकों और परिवारजनों जो इसी सभागार में ऊपर की ओर बैठे हुए हैं, इन सबको भी बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन और त्याग के बल पर आप सब इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि जब आपके विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुझे एक मानक उपाधि देने के लिए पेशकश की गई, मैंने सैद्धांतिक रूप से अपनी असहमति दी, ये कहते हुए कि मैं इस मानक उपाधि के लिए योग्य नहीं। लेकिन इसके पीछे जो आपकी भावना है उसकी मैं हृदय से कदर करता हूं। मुझे बताया गया है कि लगभग 30 वर्ष पहले इसी विश्वविद्यालय में सन 1988 में मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए थे। आज अपने विद्यार्थी जीवन के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले आप सभी होनहार विद्यार्थियों के बीच आकर मैं स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। सोलन क्षेत्र में आकर यहाँ के निवासी और हिमाचल प्रदेश के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का सहज ही स्मरण होता है, और मैं सोच रहा था कि आज आपके बीच में आया हूं, आपका ज्ञान कुछ मैं भी लेके जा रहा हूं, और ये बात सच है जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि अक्सर राष्ट्रपति जी यहाँ पर आते हैं, उनका एक अपना रिट्रीट होता है, दैट इज नोन एज प्रेसिडेंशियल रिट्रीट, उसमें कुछ विश्राम की नियत से आते हैं। लेकिन मुझे जब लगा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय कि जिसके ज्ञान को मैं कहीं और दूसरे विश्वविद्यालय में उपयोग कर सकूं, और इसलिए लगा कि बाई वर्चू ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई हैपन टू बी द विजिटर और चांसलर ऑफ 148 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनका मैंने जिक्र संख्या का इसलिए किया क्योंकि मेरी प्राथमिकता ये होती है कि मैं जो जिस से जुड़ा हूँ चांसलर अथवा विजिटर के नाते, मैं उस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाने का प्रयास करूँ। अभी नहीं जा पाया, अभी तो एक साल पूरा नहीं हुआ, कोशिश कर रहा हूँ अधिक से अधिक जाने की। लेकिन इसलिए मैं जो प्रदेश सरकार की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, आई फील अ लिटिल बिट रिलक्टेंट। लेकिन जब इस विश्वविद्यालय का मैंने देखा कि ये विश्वविद्यालय केवल एग्रीकल्चर नहीं बल्कि हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से भी जुड़ी हुई विश्वविद्यालय है, तो मुझे लगा कि देश में ऐसे बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जो कि फॉरेस्ट्री सिट के नाम पर जाने जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पर, मुझे उत्सुकता थी आने की, मुख्यमंत्री जी इसीलिए मैंने स्वीकार किया यह निमंत्रण कि मुझे उत्सुकता थी कि मैं भी आऊँ, कुछ यहाँ का साहित्य लेकर के जाऊँगा, आपके कुलाधिपति महोदय की बातें सुनूंगा और इनको मैं केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगा बल्कि देश के जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं उनके बीच में जाकर के इन बातों को शेयर कर सकूंगा। सोलन में जहां पर ये स्थिति है, आपका विश्वविद्यालय स्थित है, इसी क्षेत्र के ही एक साधारण ग्रामवासी, उसका नाम उल्लेख करना जरूरी मैं समझता हूं, एक साधारण ग्रामवासी किसान बाबा भलकू के असाधारण योगदान की मुझे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिमला में बाबा भलकू रेल म्यूजियम की स्थापना की गई है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 112 वर्ष पुरानी कालका शिमला रेलवे लाइन को बिछाने में ब्रिटिश इंजीनियरों को सफलता नहीं मिल पा रही। यहाँ की दुर्गम पहाड़ियों में बाबा भलकू ने रेल ट्रैक का रास्ता सुझाया, ब्रिटिश इंजीनियरों ने भी उनके सुझावों को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। ये आधुनिक शिक्षा और स्थानीय जानकारी के प्रभावी संगम का ही एक अच्छा उदाहरण है और आज मैं समझ सकता हूँ कि शायद यदि बाबा भलकू ना होते तो अभी जो बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक गण आते हैं कालका से शिमला पहुंचने के लिए, वो रेल मार्ग का जो उनको लुत्फ उठाना होता है वो उठाने से वंचित रहते। इसमें बहुत बड़ी भूमिका है उस व्यक्ति की। हिमाचल प्रदेश का यह प्राचीन उपयोगी परंपरागत ज्ञान का भंडार माना जाता है। कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक ज्ञान और स्थानीय समझ का संबंध में और भी उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय को एशिया का पहला हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिमालय क्षेत्र के दूसरे राज्यों से भी अनेक विद्यार्थी आते हैं। इतने ऊंची पहाड़ी इलाकों में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का विशेष महत्व होता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में खेती की पद्धति और तकनीक भी अलग अलग होती है। पिछले लगभग 3 दशकों के दौरान राज्य में हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के विकास में इस विश्वविद्यालय का सराहनीय योगदान रहा है। इन उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र। हिमाचल प्रदेश के विकास को एक नए उत्साह के साथ दिशा और गति प्रदान के लिए मैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व की भी सराहना करता हूँ। हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसमें राज्य की लगभग 70% कामकाजी आबादी को रोजगार प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूरे देश की आबादी का लगभग 55% कृषि और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों में लगा हुआ है।
इस तरह हिमाचल प्रदेश के और पूरे देश के लोगों की खुशहाली कृषि क्षेत्र की सफलता पर आधारित है। इसीलिए आज किसानों की आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण क्षेत्र का विकास देश की प्राथमिकता बन गई है। मुझे बताया गया है कि आज देश में लगभग 300 मिलियन टन बागवानी फसलों का उत्पादन हो रहा है। हम हॉर्टिकल्चर उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। इस सफलता के पीछे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के साथ साथ आप जैसे कृषि विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। किसानों, ग्रामवासियों और पूरे देश की खुशहाली से जुड़े कृषि क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक को हिमाचल प्रदेश के और पूरे भारत के किसानों का सुशिक्षित मित्र और सहायक मानता हूं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों की सहायता करके ही आप सबका ज्ञान सार्थक सिद्ध होगा और आप सबकी सहायता के दायरे में आखिरी गांव का आखिरी किसान ही होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। बहुत ही ठंडे इलाकों में फलों, सब्जियों और फूलों को उत्पादन और उत्पादकता में लगातार सुधार हुआ है। इससे निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मुझे बताया गया है कि आजकल हॉर्टिकल्चर से लगभग 4.5 लाख किसानों को रोजगार मिलता है तथा लगभग 4,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार। इसमें किसानों की कड़ी मेहनत के साथ साथ आपके विश्वविद्यालय का तथा ऐसे अन्य कृषि संस्थानों का योगदान भी शामिल है। अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, हाई यील्डिंग वैरायटी, इंटीग्रेटेड क्रॉप एंड पेस्ट मैनेजमेंट तथा आधुनिक खेती की पद्धतियों के बारे में किसानों को आप सब लोग जानकारी देते हैं। कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग का महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। ब्रांडिंग के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की बहुत अच्छी साख है। किन्नौर के सेब, कांगड़ा की चाय, सिरमौर के फूल और सोलन के मशरूम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्रांडिंग की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की यह सफलता आप सभी के लिए बहुत सहायक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सब ने अपनी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा किया है। आप सब ने क्लासरूम में जो कुछ पढ़ा है उसका कृषि के विकास में उपयोग करने और साथ ही साथ अपने निजी जीवन को सही दिशा देने के अनेक अवसर आपके सामने उपलब्ध प्राप्त किए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब हम राष्ट्रगान करते हैं उसमें एक दूसरी पंक्ति में आता है भारत भाग्य विधाता। आखिर ये जब ये गीत लिखा गया होगा तो भारत भाग्य विधाता किसको कहा जाएगा? क्या जो देश का देश की सरकारें चलाते हैं, प्रदेश की सरकारें चलाते हैं, उन्हीं तक सीमित रहेगा? मुझे लगता है ऐसा सोचना ठीक नहीं है। सही मायने में इस देश को विकास के रास्ते पर जो ले जाने वाली कौम है, कौम अर्थात उनमें आप सब भी शामिल हैं। आप सब लोग भारत भाग्य विधाता हैं असली तौर पर, बशर्ते कि आप अपने को समझिए। यदि आप को अपना अवमूल्यन करेंगे तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ना सरकार जिम्मेदार होगी, ना आपका परिवार जिम्मेदार। इसलिए मैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मैं एक विनम्र अनुरोध के साथ में कि इस देश के सही मायने में आपको भाग्य विधाता बनना है, है तो लेकिन बनकर के दिखाना है आपको। आपकी शिक्षा के उपयोग का दायरा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। आप अपनी प्रतिभा और शिक्षा का समुचित उपयोग करते हुए अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। आज अनेक ऐसे उत्साही और सफल युवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद कृषि के क्षेत्र में भी कुछ नया करने का निर्णय लिया।
उन युवाओं ने फल फूल और सब्जी की खेती ऑर्गेनिक तरीके से शुरू की, आज जिसका आपके कुलाधिपति महोदय ने विस्तार से चर्चा की। आज वे अपने फलों फूलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विकास और सफलता की अपार संभावना है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के द्वारा किसानों को कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। आपकी प्रतिभा और उद्यमशीलता से देश विदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद मिल सकेगा और साथ ही किसानों को अपने उत्पादों का भी बेहतर मूल्य मिल सकेगा। केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि क्षेत्र के उद्यमियों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनका उपयोग आप सभी विद्यार्थीगण कर सकते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूजीलैंड के बागवानी विशेषज्ञों के साथ तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन दिया है। डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना के द्वारा सुरक्षित खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह हिमाचल पुष्प क्रांति योजना भी इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकेगी। परंपरागत खेती में, खासकर बागवानी में, महिलाओं का बहुत अधिक योगदान रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में ये तुलना की जाए तो मैदानी क्षेत्र में हमारी बहनें बेटियां कम काम करती हैं, पुरुष अधिक काम करते हैं। लेकिन इससे ठीक हट करके हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी बहन बेटियां माताएं अधिक काम करती हैं पुरुषों की तुलना में। आधुनिक कृषि में भी यह योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आज स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या अधिक है। और जिसका उल्लेख किया गया है, यदि संख्या के स्तर पर हम जाएं तो 9 स्वर्ण पदक विजेताओं में हमारी 6 बेटियां। और संयोग से एक बेटी को 2 गोल्ड मेडल्स, 2 गोल्ड मेडल का। बेटियों द्वारा अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने का एक ट्रेंड ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे देश के उच्च शिक्षा के संस्थानों में देखने को मिल रहा है। आज हमारी बेटियां खेल कूद के मैदानों से लेकर विश्वविद्यालयों तक और रक्षा विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर युद्धक विमानों तक हर जगह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही हैं। बेटियों का ये बढ़ता हुआ वर्चस्व बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक शुभ संकेत है। मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और इस दीक्षांत समारोह से जुड़े आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज पदक हासिल करने वाले विद्यार्थी विशेष सराहना के पात्र हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद भी देता हूँ और आपके सफल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।